कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ना मतलब लड़का ना वो चप्पल पहन के घूम रहा जो चू चू करती हैं वो वाली, तो आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो आज ना मैंने मतलब कोई ब्लॉग व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि ना आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब पता नहीं क्या हो रहा, पेट इतना दुख रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मैंने ना मतलब दवा भी ले ली थी सुबह ही, तब तक मैंने दवाई खाई थी तब तक तो मतलब आराम हो गया था। फिर उसके बाद फिर से मतलब वही फिर से दर्द होने लगा। अब देखती हूँ अब फिर से मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे कह तो, क्योंकि ना समझ में ही नहीं आ रहा दर्द हुए जा रहा। और मैंने ना मतलब आज किसी भी चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया है। बच्चे ना देखो कितनी सतर्नी कर रहे हैं। और जब मतलब कोई भी हम लोगों को परेशानी होती है तब तो और बच्चे ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो आप लोग सब देख सकते हो कितने मतलब परेशान कर रहे हैं बच्चे, मतलब चिल्ला रहे हैं। और देखिए मेरा ना मतलब चेहरा भी मतलब ऐसा हो रहा है अजीब सा। तो मैं ना मतलब आज मेरी किचन वगैरह भी सब ऐसे पड़ी हुई है, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं अभी। और यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैंने ना ऐसे कर दिया क्योंकि पहले सब्ज़ी छौंकती थी क्योंकि सब्ज़ी बन जाएगी, ये जो बर्तन होंगे ना सारे एक ही साथ कर दूँ, क्योंकि आज इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मतलब बार बार कर दूँ। तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी आलू गोभी की, और इसको बनने दूँगी और ये बन जाएगी सारे, फिर बर्तन कर दूँगी एक ही साथ। और ये देखिए मेरी किचन का क्या हाल हो रखा आज, कुछ इस तरीके से सारी किचन फैली पड़ी हुई है आज। और ये मुझे अभी साफ़ करनी पड़ेगी। ये देखिए जो सामान यहाँ रखा वो वहीं रखा है आज, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसको साफ़ कर दूँ। और मतलब नज़ले की वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया ना एक ही बार कर लेना, बार बार पानी में हाथ मत दो इसलिए। और यहाँ पे मैंने मतलब सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए, मैंने कि ये हो जाएगी तो फिर ये सारे बर्तन। और ये मुझे ना इसमें मसाले भरने ये भी रखी थी, और ये तवा ववा सब ऐसे ही रखा हुआ है सब ऐसे ही, क्योंकि साफ़ ही नहीं हो पाया, नहीं तो मैं इसको ठंडा होने के बाद साफ़ करके रख देती हूँ। और ये देखिए दो दो परात वगैरह सब गंदे बर्तन पड़े हुए हैं आज। और अभी मुझे मतलब बर्तन साफ़ करूँगी सारे मतलब सब्ज़ी बनने के बाद, क्योंकि ना सब्ज़ी मैं एक मतलब डोंगे में खला के रख दूँगी। और ये मतलब मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे। और ये देखिए, और इसमें ना मतलब मैंने बच्चों के लिए अभी वो नहीं होते खील बोलते हमारे यहाँ, तो ये बच्चों के लिए मैंने अभी खाने के लिए दिए थे, बच्चे मांग रहे थे अभी। तो ये देखिए, और इनको मैं उठा कर रख दूँगी ऊपर, क्योंकि बच्चे ना बार बार मांगते हैं तो फिर परेशानी होती है। और मैंने देखिए सारी किचन क्लीन कर दी है, क्योंकि मैंने ना एक के साथ कर दी थी मतलब फिर परेशानी हो रही थी ना मेरे को नज़ले की वजह से, तो इसलिए। और अभी देखना मेरा छोटा वाला बेटा क्या कर रहा, अब वो देखिए वो ऐसे करते हैं। मैं सारे बर्तन सेट करके लगा के रख दूँगी, और ये ना बार बार आएंगे और बर्तन निकाल के चलते बनाएंगे, बस इधर उधर सारे बर्तन फैला देते हैं, बस इनका यही काम रहता है। और ये आ गए थे फिर मतलब 7 बजे के करीब, तो ये कहने लगे चलो मतलब तुमको दवाई दिलवा के लेके आता हूँ। और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा नज़ला हो रहा था तो इसलिए। और ये देखिए बाबू बाबू को भी लेके जा रही हूँ, और मुझसे ना मास्क नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि ना नज़ले की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बाबू से कह रही बाबू हाय करो, और देखो मेरा चेहरा भी कैसा हो रहा है आज तो। बच्चे ना मतलब दूसरे वाले कमरे में थोड़ा शोर मचा रहे हैं, और हमने यहाँ से कुछ सामान लिया था किचन वगैरह का। और ये देखिए छोटा वाला बेटा बहुत चीख रहा है, और घर आके ये लेके आए थे इनके लिए 2 क्रैश जो होते हैं, और ये दोनों खा रहे थे। ये देखिए मैं बाबू से कह रही थी बाबू अपना ले लो आप,
और ये देखो हाई कर रहा है बड़ा वाला बेटा, और ये दोनों खा रहे थे, मस्ती में थे, खूब एंजॉय कर रहे थे अपना दोनों के दोनों। ये देखिए मुझे ना थोड़ा मतलब नज़ले की वजह से प्रॉब्लम हो रही बोलने में, आप लोग मतलब समझ जाना, क्योंकि आजकल का मौसम ही ऐसा हो रखा है क्योंकि थोड़ी देर में ही हर किसी को नज़ला वगैरह हो जा रहा। और ये देखिए भी गिर गया था लड़का, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा, कभी मतलब अभी ऐसा हो रहा ना कि कभी गर्मी सी लगती है, कभी मतलब ठंडी तो मतलब बहुत ज़्यादा आ गई फिर भी, और कभी कभी जैसे रजाई वगैरह ओढ़ते तो ठंडी लगती है। और हम लोग ना मार्केट गए थे तो जलेबी लेके आए थे, और जलेबी देख के किस किस के मुंह में पानी आया कमेंट में बताना मुझे, जलेबी किस किस को पसंद है। बट मुझे तो बहुत पसंद है लगती हैं जलेबी गरम गरम, बट मुझे ठंडी नहीं अच्छी लगती लेकिन गरम ही अच्छी लगती हैं। और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और मैं मतलब ये थाली में करके लेके जा रही थी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।